Wanna move my feet, wanna drink my wine. 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 Wanna move my feet. ओके दोस्तों, तो किसी भी अच्छे और खूबसूरत काम की शुरुआत होती है कुछ बिगड़ने से। तो जैसा कि आपने देखा, मैं अभी अपना ये जो रूम है क्लीन कर रही थी, सब कुछ तितर बितर हो चुका है, सारा सामान अपनी जगह से हट चुका है, क्योंकि मुझे एक अच्छे तरीके से अपने रूम को डेकोर करना है। सेकेंड चीज़ मैं आज आप लोगों के साथ जो शेयर करने वाली हूँ वो है हाउ टू डेकोर योर बेड फॉर डिफरेंट ओकेजन्स। तो मतलब आप अपने बेड को किस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट ओकेजन पर डेकोर कर सकते हो, पहले से ज़्यादा सुंदर दिखा सकते हो। तो इसके लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी आज के व्लॉग में, क्योंकि फेस्टिवल आने वाले हैं। तो फेस्टिवल पर हम सभी को ना जैसे लिविंग रूम अच्छा लगता है, हमें बड़ा पसंद आता है कि लिविंग रूम में हर कोई गेस्ट आता है आकर बैठता है, तो लिविंग रूम हमेशा चकाचक लगना चाहिए। वैसे ही हम लोगों को अपना बेडरूम, खासतौर से अपने बेडरूम से बड़ा प्यार होता है, तो उसे भी हम चाहते हैं कि डिफरेंट ओकेजन पर हम डिफरेंट तरीके से जब सजाएं तो उसका जो लुक है वो इनहेंस होकर आए। तो यही चीजें मैं कुछ आपके साथ आज इस व्लॉग में शेयर करने वाली हूँ और साथ के साथ में टिप्स भी देती रहूंगी। तो जब भी आप अपने बेड को डेकोर करने की बात सोचते हो तो आपको दो तीन चीजों का ख्याल रखना है। एक तो आपके पास ना प्लेन कलर की बेडशीट होनी चाहिए। अगर आपके पास प्लेन कलर की लाइट कलर की बेडशीट्स हैं, उसके ऊपर आप बहुत अच्छे अच्छे डेकोर जो है कर सकते हो। मतलब डेकोर में क्या आता है, कुशन्स आते हैं, बड़े वाले तकिए आते हैं, उसके साथ छोटे वाले जो कुशन होते हैं वो लगाइए आप, और कहते हैं थ्रोज होते हैं ना जो हम बेड पर साइड में डालते हैं, जैसे विंटर में तो हम रजाइयाँ डाल लेते हैं या फिर कंफर्टर डाल लेते हैं, इसी तरीके से थ्रोज आते हैं जो एसी कंफर्टर टाइप के होते हैं, हल्के होते हैं लेकिन आपके बेड का जो लुक है वो बहुत इन्हेंस करते हैं। साथ में ही क्या होता है कि वो आप जब ठंड लगे रात में एसी जब चल रहा हो तो उसे ओढ़ कर भी सो सकते हो, तो वो दोनों तरीके से आपकी हेल्प करते हैं। तो मैं आज आपको कुछ ऐसे ही टिप्स देने वाली हूँ इस वीडियो में। तो सबसे पहले तो मैं ना आपको वो वाला बेड डेकोर दिखा दूंगी जो कि मुझे ओकेजन पे करना बहुत पसंद है। फेस्टिवल हुए या घर में कोई गेस्ट आ रहा है या फिर आपका कोई पार्टी फंक्शन है घर में, तब आप उसे डेकोर करिए, आपका रूम बहुत प्यारा लगेगा। ये जो वॉल डेकोर वगैरह होती है, ये सब वास है, फ्लावर्स है, ये तो डेकोर के अदर आइटम है। मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बेड को पर्टिकुलरली आप कैसे डेकोर करें। यहाँ पर मैं आपको दो तीन तरह के बेडशीट के ऑप्शन भी दिखाऊंगी और उसके मैचिंग के सामान भी मैं यूज़ करके आपको दिखाऊंगी कि कौन सी चीज़ किसके साथ बेस्ट लग रही है। जैसे मेरे पास यहाँ पर ग्रे कलर की एक बेडशीट है, इसका कपड़ा बहुत ही अच्छा है, इसमें छोटे 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 ना फूल बने हुए हैं। ये प्लेन बेडशीट है जिसपे बहुत ही कम कहते हैं प्रिंट है, बहुत ही हल्का वाला प्रिंट है, तो इस टाइप की बेडशीट आप यूज़ कर सकते हो। सेकेंड बेडशीट जो मैं दिखा रही हूँ ये बिल्कुल प्लेन कलर में है और इसमें कोई भी प्रिंट नहीं हो रहा है, बिल्कुल प्लेन बेडशीट है ये। ये है ब्राउन से कलर में, तो बेज कलर कह सकते हो, ब्राउन कलर कह सकते हो आप इसको, लाइट ब्राउन कलर का है। इसके साथ भी बहुत डिफरेंट टाइप के आप कुशन के साथ इसको डेकोरेट कर सकते हो अपने बेड को। तो मेरे पास है कुछ इस तरह के थ्रो और ये जो है ये बहुत ही अच्छे लगते हैं, बहुत ही लाइट वेट होते हैं। इसमें नीचे की तरफ आप देख सकते हो टेसल टाइप के हैं। तो एक तो मेरे पास ये ब्लू कलर का है और एक है मेरे पास येलो कलर का, और ये धुलने के बाद ऐसे ही चमक जाते हैं। इनका लिंक भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चेक कर लेना। तो ये एक येलो कलर की है और एक और अच्छी बात है इन थ्रोज की, ये ना प्योर कॉटन के हैं, 100% कॉटन के हैं, तो आप इन्हें समर में भी ओढ़ सकते हो, कोई भी आपको गर्मी वर्मी नहीं फील होगी।
एक मैंने ये मंगाया है पेयर अप करने के लिए, अमेजोन से ही मंगाया है। ये मैट है और इस मैट को मैं साइड टेबल पर लगाकर यूज करती हूँ। उससे क्या होता है, साइड टेबल का लुक और ज्यादा अच्छा आता है। चलिए मैं फिर आपको एक एक करके दिखाती हूँ कि मैं किस तरीके से अपने बेड को डेकोर करती हूँ डिफरेंट ओकेजन पर। रिसेंटली जब हमने अपना घर रिनोवेट कराया था, तब घर के सारे कर्टेंस, सारा सामान उठाकर रख दिया था। कर्टेंस की रॉड्स वगैरह भी हट गई थी क्योंकि सबकी जो जगह है वो चेंज हो गई थी। तो अभी कल सारे घर में रॉड्स वगैरह लगवाई हैं। तो ये जो पर्दे थे ये अंदर रख रखे थे प्रेस करवा के, और पर्दों के बिना घर बड़ा सूना सूना सा लगता है। तो सबसे पहले बेसिक जो चीज़ है आपके रूम की वो है पर्दे। खाली पर्दे चेंज करने से या पर्दे लगाने से ही आपके रूम में काफी बड़ा चेंज दिखाई देने लगता है। हमारे बेडरूम में पड़े हुए हैं ब्लू और ग्रे कलर के पर्दे, लाइट ग्रे कलर के हैं, क्रीम कलर भी लगभग लगता है मॉर्निंग के टाइम पर ये। तो मैं जब भी अपने रूम की थोड़ी बहुत डेकोर चेंज करती हूँ उसमें ब्लू टच जरूर रखती हूँ। अगर आप कर्टेंस के कलर्स चेंज कर रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी डेकोर भी चेंज कर सकते हो। पर जहाँ तक मैंने नोटिस किया है, ब्लू के साथ ग्रे कलर बहुत अच्छे से जचता है। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले ले ली है ग्रे कलर की ये बेडशीट, क्योंकि हमारा बेड किंग साइज का है। तो जो मैं सेटिंग दिखा रही हूँ वो किंग साइज के बेड की दिखा रही हूँ, लेकिन ये क्वीन बेड हो, ट्विन बेड हो, हर किसी बेड पर चल जाएगी, क्योंकि सेटिंग में कोई ऐसा खास अंतर नहीं आता है, बेडशीट के साइज में अंतर आ जाता है। तो बस यहाँ पर मैंने बेडशीट बिछा दी है, कॉर्नर से इस तरीके से मैंने टक कर दिए जिससे कि ये बाहर ना आए। और इसके बाद मैं इसके साथ कुछ ब्राइट कलर के प्लो कवर हुए, कुशन कवर हुए, वो मैं यूज़ करने वाली हूँ। दो कुशन कवर तो इसी के साथ मिले हैं, कभी कभी आपने देखा होगा बेडशीट के साथ कुशन कवर भी मिलते हैं। अगर नहीं मिलते हैं तो आप उसके कॉन्ट्रास्ट में यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने ब्लू कलर का लिया है एक प्लो कवर, और एक बड़ा वाला जो प्लो कवर मैं बैक साइड में लगाने वाली हूँ वो इसी बेडशीट के साथ मुझे मिला है, तो वो मैंने लगा दिया है। और छोटे वाला जो प्लो हैं उन पर मैंने ब्राइट कलर के ब्लू कलर के प्लो कवर चढ़ा दिए हैं। तो इस तरीके से डार्क एंड लाइट का जो कॉम्बिनेशन जा रहा है, हालांकि ग्रे भी एक डार्क कलर है लेकिन दोनों में ना कॉन्ट्रास्ट है। ग्रे और इसमें जो आप रॉयल ब्लू कलर देख रहे हैं इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आपको इसलिए नजर आ रहा है, दोनों कलर एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से कंबाइंड हो पा रहे हैं। तो आपको भी बस नोटिस करना है कि आप जिस कलर की बेडशीट बिछा रहे हो उसके साथ कॉन्ट्रास्ट में आपको कुशन कवर और जो एक्स्ट्रा तकिए हैं वो यूज करने हैं, तभी वो खिलकर आएगा बेड का डेकोर। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से सारी चीजें लगा दी हैं। और इसके बाद इसके साथ जो मुझे दो कुशन मिले थे वो भी मैंने इसी के साथ अरेंज कर दिए हैं। कुशन बहुत ही सुंदर है इसके, और उनमें थ्रेड वर्क हो रहा है। साथ में एक छोटा कुशन भी मैं ले रही हूँ, और इस कुशन पे मैंने वही रॉयल ब्लू कलर का ही कुशन कवर चढ़ाया है। तो इस तरीके से आप तीन लेयर में अपने बेड को रेडी कर सकते हो, दो लेयर में कर सकते हो। यहाँ पर मैं आपको लगभग चार लेयर में दिखा रही हूँ, सबसे पहले बड़े वाले तकिए, फिर उससे छोटे तकिए, फिर बड़े कुशन और देन छोटा कुशन। तो इस तरीके से पूरा आपने ने बेड को डेकोर कर दिया, लेकिन अभी भी सूना सूना सा लग रहा है। तो इसको इन्हेंस करने के लिए अब हमें क्या करना है, साइड की चीज़ें भी थोड़ी बहुत चेंज करनी पड़ेंगी। जैसे कि मेरी ये जो साइड टेबल है काफ़ी ओल्ड हो चुकी है, तो इसको थोड़ा सा अच्छा सा लुक देने के लिए मैं इस पर एक मैट डाल रही हूँ सेम कॉन्ट्रास्ट कलर में। और उसी के साथ ये मेरी ड्रेसिंग टेबल है, इस पर भी मैंने एक डार्क कलर का ब्लू कलर का रनर डाल दिया है जिससे इसका लुक भी इन्हेंस हो गया है। पैटर्न मैंने कुछ लगभग एक जैसे चूज करे हैं, मैंने कोई ज़्यादा खर्चा नहीं किया है, बजट में ये सारी चीज़ें करी हैं। क्योंकि ये जो रनर है, मैट है, ये बहुत सस्ते मिल जाते हैं, मैंने अमेजोन से परचेज करे हैं। आपके लिए लिंक छोड़ दूंगी, 200 300 मैक्सिमम 300 350 में आपको ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। बाकी बेडशीट आपको अपने घर में से ही निकाल कर यूज़ करनी है। कुशंस बहुत सारे रहते हैं हमारे पास, उसके साथ मिक्स एंड मैच कर लेने हैं। सबसे पहले हम लोग चलो ये कंफर्टर लगा लेते हैं। ये एसी कंफर्टर है जो कि हम लोग रोज रात में ओढ़कर सोते हैं। इससे क्या होता है, जब एसी से थोड़ी बहुत ठंड लग रही होती है रात में तो थोड़ा आराम मिल जाता है, चैन की नींद आती है। इस एसी कंफर्टर के लगाने के बाद मैं इस पे डाल रही हूँ ये थ्रोस, और ये थ्रो मैंने लिया है ब्लू कलर में। तो इसको इस तरीके से आपको ना प्लेट्स बनाते हुए डालना है, थोड़ा सा ना इसी तरीके से अच्छा लगता है, हल्का सा नीचे गिरा हुआ हो, साइड से इसके जो टेसल्स होते हैं वो इस तरीके से दिखते हैं ना, तो बड़ा ही प्यारा लुक आता है। कंफर्टर के ऊपर भी आप थ्रो यूज कर सकते हो। तो इस तरह की होम डेकोर आपने
होटल्स में या फिर आपने मॉल वगैरह में देखी होगी, मैंने होम सेंटर में काफी बार देखी है, मुझे बड़ी अच्छी लगती है। तो जब हम लोग ये डेकोर देखते हैं तो ऐसा लगता है कि यार ये डेकोर तो यहीं पर ही अच्छी लग रही है, घर पे तो पॉसिबल ही नहीं है। तो आज आप मैंने आपके सारी प्रॉब्लम्स का सलूशन दे दिया है, घर पर भी आप अपने बेड को इसी तरीके से डेकोर कर सकते हो जैसा कि आप होम डेकोर के शोरूम वगैरह में देखते हैं। रेगुलर में ना सही, एटलीस्ट ओकेजन्स पे जरूर आप अपने रूम को इसी तरीके से डेकोरेट करना। तो रहा पहला लुक जो कि नाइट टाइम में काफी अच्छा लगता है, और मैं सेकंड लुक भी आपके साथ शेयर करूंगी, लेकिन उससे पहले कुछ टिप्स दे देती हूँ, कुछ ऐसी चीजें जो अगर हमारे पास हैं उससे हम डिफरेंट डिफरेंट डेकोर कर सकते हैं अपने बेड का। वो है, उनमें से है थ्रोज हैं, आपके प्लो कवर हैं। प्लो कवर आप बेसिक कलर के जरूर मंगा के रखिए अपने घर में, उससे आप बहुत तरीके के लुक दे सकते हो। जैसे मैंने बेज कलर, लाइट ब्लू कलर, व्हाइट कलर, इन कलर के प्लो कवर ऑलरेडी लेके रखे हुए हैं जिनसे मैं डिफरेंट डिफरेंट डेकोर करती रहती हूँ अपने बेड की। सेकंड जो लुक है वो मॉर्निंग के टाइम पर बहुत सुंदर लगता है, इसमें हम चूज करते हैं फ्लोरल प्रिंट, लाइट कलर की बेडशीट्स। तो एक जो प्लो कवर है वो तो मुझे बेडशीट के साथ ही मिले थे जो कि डार्क येलो कलर के हैं। दूसरा जो मैंने इसके साथ चूज किया है वो है बेज कलर का, वो बड़े वाले मैंने तकियों पर लगा दिया है, यहाँ पर बेडशीट मैंने बिछा दी है। ये व्हाइट कलर की बेडशीट है जिस पर फ्लोरल प्रिंट लगा हुआ है, और ये प्रिंट बहुत अच्छा लगता है, लाइट कलर का प्रिंट है तो दिन में बहुत सुंदर लगता है। इस तरीके से मैंने सारे तकिए अरेंज कर दिए हैं, इसके साथ मैं दो कुशन भी लगाने वाली हूँ। तो इस टाइम मैं थ्री लेयर में डेकोर कर रही हूँ बेड की, और जो कुशन मैंने चूज किए हैं उसमें येलो कलर तो है ही, साथ में ब्लू कलर भी है, और ब्लू और येलो का कॉम्बिनेशन एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा लगता है। ब्लू कलर मेरे बेडरूम में इसलिए भी चल जाएगा क्योंकि मेरे पर्दों का जो कलर है उसमें ब्लू आ रहा है। तो आप अपने बेडरूम के डेकोर के अकॉर्डिंग, अपने बेडरूम के कर्टन्स के अकॉर्डिंग ये कुशन्स के कलर हुए या फिर बेडशीट के कलर हुए वो चूज कर सकते हैं। ये कुशन कवर बहुत ही प्यारे हैं, इसमें मोती का काम हो रहा है, साथ में इसमें रेशम वर्क है, बहुत ही अच्छे हैं, इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी निकली है। और ये मैंने फर्नीचर टाउन से परचेज किए थे जो कि गाजियाबाद में शॉप है, उसका एड्रेस भी मैं आपके लिए छोड़ दूंगी नीचे, अगर आप जाना चाहें तो देखकर ज़रूर आएँ, वहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे कुशन्स मिल जाते हैं। और इन कुशन्स को मैं इसके साथ अरेंज कर रही हूँ, और बस अब हमें क्या करना है, इसके साथ की थोड़ी डेकोर भी चेंज करनी है। तो मैंने यहाँ पर जो इस टाइम साइड टेबल के लिए मैट चूज़ किया है वो है मोती का, क्योंकि मेरे कुशन कवर पे भी मोती का ही काम हो रहा है, फ्लोरल का ही प्रिंट भी है, तो इसीलिए ये जो फ्लावर वाला लुक है वो यहाँ पर अच्छा लगेगा। इसके साथ मैंने एक वास लिया है जिसे आप अपनी साइड टेबल पर रख सकते हैं, उसमें मैचिंग के फ्लावर यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास ये पड़े हुए थे येलो कलर के फ्लावर जिसे ग्रीन के साथ मैंने मिक्स करके यहाँ पर लगाए, लेकिन मुझे यहाँ पर इतने अच्छे नहीं लगे तो फिर मैंने चेंज कर दी इसकी जगह। ड्रेसिंग टेबल पर भी मैंने फ्लोरल प्रिंट का ही रनर बिछाया है जिससे पूरा ओवरऑल जो लुक है वो बहुत अच्छा आ रहा है। साथ में जो वास मैंने वहां लगाया था साइड टेबल पर वो हटाकर मैंने इस साइड लगा दिया है, तो ओवरऑल जो लुक आ रहा है वो आप खुद ही नोटिस कर सकते हैं कितना प्यारा आ रहा है। मॉर्निंग के टाइम पर ये लुक बहुत अच्छा लगता है, मैं मॉर्निंग का टाइम का भी लुक आपके साथ इसी वीडियो में शेयर कर दूंगी तो आप देख लीजिएगा, दिन में तो बहुत ही फपता है ये लुक। इसके साथ मैंने इसी के मैचिंग का नीचे मैट बिछा दिया है, साथ में मैंने थ्रो लगा दिया है। थ्रो भी ये ब्लू, एक मेरे पास ब्लू था एक मेरे पास येलो था, तो इस बार मैंने इस सेटिंग के साथ येलो चूज किया है। तो देखिए आप चाहो तो कॉन्ट्रास्ट में ब्लू भी चूज कर सकते हो, मेरे कमरे में तो ब्लू भी चल जाएगा। यहां पर बराबर में मैंने जो साइड टेबल पर मैट डाला था उस पर मैंने फ्लावर का एक शोपीस रख दिया है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग,
और यहाँ पर आप नोटिस कर सकते हो कि दिन में फ्लोरल प्रिंट कितना ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। Wanna move my feet? Wanna drip on one? 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 तो मैंने ना यहाँ पर आपको दो तरह की टिप्स दी हैं। एक तो दी थी मैंने नाइट की कि नाइट में किस तरह की बेडशीट आप सेलेक्ट करें। नाइट में करें डार्क कलर की बेडशीट्स, और मॉर्निंग के टाइम पर अगर आपको लुक क्रिएट करना है अपने बेड का तो आप करें लाइट कलर की बेडशीट और साथ में फ्लोरल प्रिंट। फ्लोरल प्रिंट जो होते हैं वो बहुत अच्छे से उभर के आते हैं। इस टाइप से बेड जब आप डेकोर करोगे तो मतलब आपके गेस्ट तो खुश होंगे ही, घर को देख के आपके हस्बैंड बहुत खुश होते हैं। जहाँ तक मैंने नोटिस किया, जब भी मैं इस टाइप की कहते हैं अपने बेड को डेकोर करती हूँ तो कहते हैं प्रशांत बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, कहते हैं अरे यार आज तो चैन की नींद आएगी। मतलब उनको बड़ा अच्छा लगता है कि अरे बहुत साफ़ सुथरा, कितना अच्छे से अरेंज किया है तुमने बेड को, आज तो मैं चैन से सोऊंगा। थके हुए आते हैं ना हस्बैंड जब घर पे, और हम कुछ ऐसा मतलब अच्छे से किसी अपने घर को अरेंज करके रखें या डेकोर करके रखें, अपने घर के सामानों को ही हमें इधर उधर हिलाना है और उन्हीं से हमारा घर डेकोर हो जाता है। जैसे कि कुछ चीज़ें मैंने बाहर की अब अंदर लेकर आई, अंदर वाली बाहर कर दी, तो ऐसे करने से ही ना घर में एक अच्छा सा लुक आ जाता है जो कि डिफरेंट लगता है आपके कमरे में। तो इस तरीके से आपको भी क्रिएट करना है। आप देखना कि हस्बैंड के चेहरे पर स्माइल ना आ जाए तो मुझे ज़रूर बताना, वो ज़रूर आपको थैंक यू बोलने वाले हैं। बहुत अच्छा लगेगा उनको भी कि आपने कुछ एफर्ट लगा के कुछ डिफरेंट किया है उनके लिए। तो आप मेहमानों का या फिर फेस्टिवल का, ओकेजन्स का ही वेट मत करिए इसके लिए। आप अपनी डेली लाइफ में भी ये सब चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं और अपने घर को पहले से ज़्यादा सुंदर बना सकते हैं। तो आज है सैटरडे और सैटरडे वाले दिन मेरी क्लास रहती है ऑफ, तो मैं आज आराम से सोकर उठी थी। और उसके बाद वैसे भी सैटरडे संडे सबका दिल करता है थोड़ा सा लेजी हो जाओ, इतना भी आराम से नहीं मैं उठी हूँ आज 7:30 बजे। वैसे मैं और जल्दी उठ जाती हूँ, तो अभी बस सुबह की चाय बना रही हूँ। चाय, जब मैं ये ब्लैक कलर के कप परचेज कर रही थी मुझे नहीं पता था मेरे सबसे ज़्यादा फेवरेट कप हो जाएंगे। इस टाइम लिटरली मैं डेली ऑलमोस्ट एक बार चाय इसमें पीती हूँ और मुझे इसमें स्वाद बहुत आता है चाय पीने में। पता नहीं वही चाय बनाती हूँ लेकिन दूसरे कप में इतना मज़ा नहीं आता जितना इस कप में आता है। तो आज का हमारा मॉर्निंग ब्रेकफास्ट ये है। आज है गर्म गर्म चाय और ये जवे, नमकीन जवे। और आप लोगों का सैटरडे का नाश्ता क्या रहा वो भी बताना हमें। तो दोस्तों इस व्लॉग को मैं करती हूँ यहीं पर एंड। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा किस तरीके से हम कम बजट में अपने बेडरूम को नया जैसा डेकोरेट कर सकते हैं, नया जैसा लुक दे सकते हैं। ये टिप्स एंड ट्रिक्स आपको भी पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। बाय बाय एंड हैप्पी वीकेंड, लव यू गाइज।